Students, now we are discussing the next one question, that is, in a group, of 50 people, twenty-five speak both Hindi and English. And all the people speak at least one of the two languages. How many people speak only English, not Hindi? And how many people speak English? इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि दिया है ग्रुप ऑफ 50 पीपल्स, 50 पीपल्स का ग्रुप्स है और उनमें से 35 पर्सन ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं और 25 ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं. एंड क्या कंपल्शन है? ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, इनमें से दो लैंग्वेजेस तो बोलनी ही जरूरी है. हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी, जो केवल इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी नहीं बोलते. और हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, और कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं, ये हमने देखना है. नाउ ग्रुप ऑफ पीपल कितने हैं? 50 पीपल्स हैं ग्रुप में. तो पहले हम सपोज कर लेंगे लेट एच बी द सेट of people who speak Hindi, जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको एच मान लेंगे. एंड ई बी द सेट ऑफ पीपल्स वो स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलते हैं उनका सेट है. नाउ टोटल है हमारे पास एच ऑफ एच यूनियन ऑफ ई मीन्स टोटल ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं 50, तो दैट्स इक्वल टू 50. और 35 स्पीक करते हैं उनमें से हिंदी, एंड एच हिंदी बोलने वाले 35, और 25 ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं. इट मीन्स एन एच इंटरसेक्शन ई दोनों कॉमन हैं, जो दैट इज 25. Now, next is, how many people speak only English, जो English बोलते हैं but हिंदी नहीं बोलते. तो उनमें से देखेंगे पहले हमें जो ये conditions दी हुई हैं ये चीज़ों को use करेंगे. तो यहाँ से use करके हम क्या निकालेंगे, n of h union e का formula लगाएंगे, n of h plus n of e minus n of h intersection e. This formula we can use here. एच यूनियन इज 50, एन एच दैट इज 35, एन ई वी हैव टू कैलकुलेटेड, ओनली इंग्लिश बोलने वाले, माइनस एच इंटरसेक्शन ई जो दोनों बोलते हैं दैट इज 35. सो इट बिकम्स 50 इज इक्वल टू 35 माइनस 25 दैट इज 10,
और प्लस एन ऑफ ई, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू एन ऑफ ई, एन ऑफ ई इज इक्वल टू 40। तो इंग्लिश बोलने वालों की काउंटिंग कितनी होगी, दैट इज़ 40, एन ऑफ ई इज 40। अब हमने देखा है एटलीस्ट वन ऑफ द पीपल ऑफ वन ऑफ द टू लैंग्वेज तो बोलनी ज़रूरी हैं, और हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बोलते हो पर हिंदी नहीं, तो इट मीन्स डिफरेंस एन ई माइनस एच, कि जिसमें ई तो इंक्लूडेड है बट एच के एलिमेंट्स नहीं इंक्लूडेड होने चाहिए डिफरेंस में। तो नंबर ऑफ पीपल, दैट इज नंबर ऑफ पीपल वो स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, बट हिंदी नहीं बोलते। तो एन ऑफ ई माइनस एच का फॉर्मूला होता है, दैट इज एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ई माइनस एच और सॉरी एन ऑफ ई, दिस इज माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, एन ऑफ ई व्हाट इज एन ऑफ ई, एन ऑफ ई वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 40 माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, ई इंटरसेक्शन एच विच वी हैव ऑलरेडी गिवन, दैट इज 25, सो इट बिकम्स इज इक्वल टू 15। सो विच फार्मूला वी हैव यूज्ड हियर, वी हैव यूज्ड एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी इज एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस फार्मूला वी कैन यूज इट हियर, सो वी विल गेट द रिजल्ट, द ओनली पीपल वो कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, दैट इज 15 पीपल्स आर देयर। सो दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन।